कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। चलो आज हम पार्ट 4 ईदगाह, जो हमने अधूरी कहानी देखी थी, हम आज उसे पूरा करते हैं। एक छोटा बच्चा जो कि कहानी का नायक था हामिद, वह मेले में जाता है अपने अन्य साथियों के साथ। अन्य साथी तो बड़े मज़े ले रहे हैं। अब देखते हैं कि हामिद क्या करता है। तो मोहसिन और महमूद मिजाज दिखाते हैं, सबके सब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है, हंसो मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? दुकानदार ने 6 पैसे बताए। हामिद का दिल बैठ गया। अब देखो सबके सब मिठाइयां खा रहे हैं, मगर हामिद को कोई भी नहीं पूछ रहा है कि तुम मिठाइयां खाओ। हामिद मन ही मन सोचता है कि इतनी मिठाइयाँ ली सबने, लेकिन मुझे किसी ने भी नहीं पूछा। और फिर कोसता है उनको यह कह के कि मिठाइयाँ खाओ, उन्हें उनके मुंह सड़ेंगे, और ज़्यादा मीठा खाने से फोड़े फुंसी निकलती है, तो उन्हें ज़रूर फोड़े फुंसे निकलेंगे और उनकी जबान भी चटोर हो जाएगी, पूरा दिन खाने को मांगेंगे। और मैं क्यों जीभ खराब करूं ऐसा खा के? छोटा सा बच्चा है, अपने मन को मना रहा है। उसका मन भी तो मिठाई खाने को कर रहा है, मगर वह अपने मन को मना लेता है। कहता है, मैं तो चिमटा ही लूँगा, और जब अम्मा उसे देखेगी बड़ी खुश हो जाएगी, और उसके बदले मुझे बहुत दुआएं देगी। और ये लोग जो खिलौने खरीद रहे हैं, उन्हें कौन दुआएँ देगा? और फिर मन में कहता है कि इनके पास तो मोहसिन और महमूद जो हैं, वह मिजाज दिखाते हैं, क्योंकि उनके पास तो बहुत सारे पैसे हैं। सबके सब हंसेंगे और हामिद का चिमटा लिया है, हंसेंगे कि हामिद ने क्यों चिमटा लिया है, भले हंसे, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरी तो बला से हैं, यानी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दुकानदार से पूछा कि यह चिमटा कितने का है? दुकानदार ने कहा कि यह चिमटा 6 पैसे का है। और उसका दिल बैठ जाता है ये सुन के, क्योंकि हामिद के पास तो खाली केवल 3 पैसे हैं। हामिद अब देखो भाव तोल करवा रहा है, कह रहा है ठीक ठीक बताओ, ठीक ठीक 5 लगेंगे, लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। दुकानदार तो ऐसे ही जवाब देते हैं। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? बहुत हिम्मत करके कहा, क्योंकि 3 पैसे तो बिल्कुल आधे पैसे हो जाते हैं, 6 के कैसे देगा दुकान वाला। इसलिए उसने हिम्मत कहकर उस दुकान वाले से कहा, और यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि कहीं दुकानदार धुड़क न दे यानी डांट न ले। लेकिन दुकानदार ने धुड़की नहीं दी, बुलाकर 3 पैसे में चिमटा दे दिया। हामिद ने इस तरह उसे कंधे पर रखा मानो वह बंदूक हो, और शान से अकड़ता हुआ साथियों के पास आया। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया पगले? हामिद ने सफाई दी, तुम्हारे खिलौने क्या है? कोरी मिट्टी। अब दुकानदार ने उसे डांटा नहीं, बल्कि 3 पैसे में उसे चिमटा दे दिया। हामिद ने इस तरह उसे कंधे पर उठाया था कि मानो की बहुड़ी बहुत शानदार सी बंदूक हो, और शान से करते हुए अपने साथियों के पास गया। सब साथी कहने लगे मोहसिन से हंसकर के, चिमटा क्यों लिया है भाई? तुमने पागल हो जो चिमटा लेके घूम रहे हो? तो उसने सफाई दी कि तुम्हारा खिलौना क्या है? वह तो मिट्टी का है, और मेरा देखो, और तुम्हारा मिट्टी तो ज़रा, तुम्हारा खिलौनों तो ज़रा नीचे गिर पड़े तो टूट टूट कर ख़त्म हो जाएगा। अगर कोई शेर आ जाए तो मियाँ बिश्ती के छक्के छूट जाएंगे, सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भाग जाएंगे, वकील साहब चौंगे में मुंह छुपाकर ज़मीन पर लेट जाएंगे। यानी उन्होंने जो जो खिलौने लिए थे ना, उनकी मस्ती कर रहा है कि अगर शेर आ जाएगा तो ये सब के सब भाग जाएंगे डर के, इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन हाथ में चिमटा होगा तो मैं उससे उसे दूर भगाऊँगा। मगर यह चिमटा, यह बहादुर, यह रुस्तमे हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। रुस्तम पता है कौन है? पाकिस्तान का बहुत ही बड़ा
कुश्तीबाज इंसान था जिसका नाम था रुस्तम। तो कहता है कि मेरा जो खिलौना था, ये जो खिलौना है वह तभी रुस्तम जैसा है, ठीक है, कैसा है, रुस्तम जैसा, ठीक है। तो आपको बड़ा अचंबा होगा कि यहाँ रुस्तम जैसा क्यों लिखा है, क्योंकि वह फारस देश का एक बहुत ही प्रसिद्ध पहलवान है, बहुत ही बड़ा वीर है, फारस देश का है, ठीक है। और वह शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। हामिद के तर्क का और बच्चों के पास जवाब न था, औरों ने तीन तीन चार चार आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज़ न ले सके। हामिद ने तीन पैसे में ही रंग जमा दिया, उसने तो तीन पैसे का जो खिलौना था उसी में ही रंग जमा दिया। औरों ने तो तीन तीन चार चार आने पैसे खर्च किए मगर कोई काम की चीज़ न ली। हामिद की बात का ऐसा रोक पड़ा कि जो साथी अब तक उसे गांठ ही ना रहे थे, यानी उसकी गिनती ना कर रहे थे, वे बारी बारी से उसे अपने खिलौने दिखाने लगे। हामिद ने भी खुले दिल से उनके खिलौनों की तारीफ की। उनका चिमटा भी बारी बारी से बच्चों के हाथों में से गुजरा और अपने उसे और सबने उसे सराहा। ठीक है बच्चों, अब फिर से मैं आपको रुस्तम वाला बताती हूँ कि उसका चिमटा तो बहुत ही बहादुर था। यह रुस्तम हिंद लपक कर, रुस्तम हिंद यानी फिर से मैं बता रही हूँ रुस्तम कौन थे, तो फारस देश के एक प्रसिद्ध पहलवान थे, बहुत ही बड़े वीर थे। तो उसका चिमटा वीर की तरह उस शेर की गर्दन पर लपकता और उनकी आँखें निकाल देता। इस प्रकार वह अपने चिमटे की बड़ाई करता है और सभी दूसरे बच्चों को कहता है कि तुम्हारे खिलौने में तो कोई दम नहीं है। अब सभी बच्चे भी उसका चिमटा बारी बारी से हाथ में लेने लगे और उसे एक एक करके गुजर के दूसरों की तरफ जाने लगा वह चिमटा, और सबने उसके उस खिलौने की बड़ी तारीफ की। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले घर पहुंचे, मौसीन की छोटी बहन ने दौड़कर बिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी से जो उछली तो मियां बिश्ती नीचे आ गए और परलोक सिधारे। अब क्या हुआ कि 11 बजे गांव में जो हलचल थी गांव में मच गई, क्योंकि पहले गांव में शांति हो गई थी, सबके सब ईदगाह गए थे, लेकिन अब सबके सब लौट आए हैं। मौसीन की जो छोटी बहन थी उसने दौड़कर बिश्ती हाथ से लेने की कोशिश की और जैसे ही छीना, खुशी के मारे जैसे ही उछली, बिश्ती मियाँ तो नीचे गिर गए और टूट गए, परलोक सिधार गए। परलोक सिधारने का अर्थ है मर जाना, लेकिन यहाँ पे क्या अर्थ है कि भाई टूट गया खिलौना। मियाँ नूरे ने दीवार पर दो खुटियाँ गाड़ी, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा, पटरे पर कागज का कालीन रखा गया और नूरे की वकील साहब उस पर राजा भोज की तरफ विराजे। मियाँ नूरे ने दीवार पर जो खुटियाँ गाड़ी थी यानी कि खिलियाँ गाड़ी थी, उन पर एक लकड़ी का तख्ती लगाई। ठीक है, तख्त पे क्या किया, पहले कागज़ बिछाया, फिर एक कालीन बिछाया और उसके ऊपर कौन विराज गए भाई, जो उसने खिलौना लिया था वकील साहब का, वह उस पर उसने रख दिया, मानो के राजा बोल विराज चुके हों। नूरे ने उन्हें देखा और पंखा जलना शुरू किया और साथ में पंखा भी देने लगे। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब लुढ़क पड़े यानी गिर पड़े नीचे, और उनका माटी का जो चोला था वह माटी में मिल गया। माटी का चोला माटी में मिल जाना यानी ख़त्म हो जाना, बर्बाद हो जाना, मर जाना, यानी उसके वकील का भी अंत हो गया। रहा अब महमूद का सिपाही, उसके लिए एक टोकरी आई, उसमें कुछ रंग के फटे पुराने चिथड़े बिछाए गए जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। महमूद ने टोकरी उठाई और द्वार पर चक्कर लगाने लगा। उसके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरह से जागते रहो पुकारते हुए चले, यानी इस प्रकार खेलने लगे टोकरी में उस सिपाही को डालते हुए और दोनों भाई चिल्लाते हुए कि भाई जागते रहो। टोकरी के नीचे गिरी और उसके साथ मियां सिपाही अपनी बंदूक लिए ज़मीन पर आ गए। टोकरी यहाँ नीचे गिरी, यहाँ सिपाही नीचे गिर पड़े, बेचारे की एक टांग टूट गई। अब मियां हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में लेके प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। अब मियाँ हामिद जैसे ही घर पहुँचे तो उसकी अम्मा ने उसकी आवाज़ सुनते ही तुरंत जाके दरवाज़ा खोला और उसे गोद में लेकर प्यार करने लगी, क्योंकि बहुत ही प्यारा छोटा सा बच्चा था। सहसा उसके हाथ में एकदम से उसने उसके हाथ में चिमटा देखा और चौंक गई कि ये क्या चिमटा, कहाँ से ले आया ये बच्चा, और पूछने लगी यह चिमटा कहाँ से लाया। मैंने मोल लिया, मोल लिया यानी पैसों से लिया, मोल लिया का अर्थ होता है पैसे,
यानी कि मैंने उसे खरीद लिया है पैसों से। कितने पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना की क्रोध आया। क्यों क्रोध आया? क्योंकि 3 पैसे जो उसने उसे खाने पीने के लिए दिए थे, वह 3 पैसे तो उसने इसी में लगा दिए चिमटे के पीछे। दोपहर हो गई, न कुछ खाया न पिया, 3 पैसे थे उसका भी यह चिमटा उठा लाया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे ले लिया। उसे क्या कहा कि मामा तेरी उंगलियां जल जाती थी ना, इसलिए मैं चिमटा लाया, अब से तेरी उंगलियां जलेगी नहीं। हामिद का क्रोध काफुर हो गया। काफुर होना यानी कि खत्म हो गया, एकदम से भाव परिवर्तन हो गया। क्रोध बच्चे में कितना त्याग है। दूसरों को खिलौने लाते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा, पर इसे वहाँ भी अपनी बूढ़ी दादी का इतना ध्यान रहा। यह सब सोचते हुए बुढ़िया गदगद हो गई। गदगद हो जाना यानी खुशी हो जाना, एक्चुअली तो गदगद हो जाना प्रसन्न हो जाना। उसने सोचा कि इसने छोटे बच्चों को देखा होगा सब खाते पीते देख के, मगर फिर भी इसने वो सारी खाने पीने की जो त्याग करके उसने अपनी अम्मा के बारे में सोचा। वह रो उठी, खुशी के आंसू उसके आँख में आ गए। उसका मन जो है उसका भाव परिवर्तन हो गया, जो क्रोध था वह करुणा में बदल गया। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और उसकी आंखों में आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी। जैसे हामिद ने कहा था कि चिमटा ले जाऊंगा तो मुझे दुआएं देगी अम्मा, सच में उसे वह दुआएं देने लगी। आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें जो थी वह उसकी आँख से गिरने लगी और यहाँ हामिद वह अपनी दादी की प्यार भरी गोद में दुबका जा रहा था, है ना, बहुत ही प्यार से वह अपनी दादी की गोद में था। प्यारे बच्चों, ये कहानी सुनने में तो मज़ा आया होगा आप लोगों को, लेकिन साथ में आपको एक सीख भी मिली होगी। क्या सीख मिली बेटा? इससे हमें यह सीख मिली कि हमेशा हमें त्याग की भावना रखनी चाहिए। त्याग से तो हमें हर इंसान की दुआएं लगती है। जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो हमें दुआएं मिलती है। वह छोटा सा बच्चा था हामिद, मगर उसने अपनी इच्छाओं का त्याग कर अपनी दादी के बारे में सोचा। तो बच्चों, अब आप भी ऐसा करेंगे ना, है ना, हम भी हामिद जैसे बनेंगे ना आपसे। तो यहाँ पे ये कहानी समाप्त होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आप यह पाठ अपने पुस्तक में ज़रूर पढ़ेंगे, एक एक शब्द लेके एक एक शब्द का अच्छे से उच्चार करके पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तब हम क्या करेंगे, इसके सही गलत प्रश्न जवाब यानी कि अभ्यास के और स्वाध्याय के प्रश्न करेंगे। ठीक है, चलो तब तक के लिए बाय।